Happy birthday, Lata Mangeshkar. Don't forget to click on bell icon to get all latest updates. लता मंगेशकर सिर्फ आवाज नहीं है, वो एक एहसास है जिन्हें हर कोई सुनने वाला महसूस करता है। देश की इस सबसे मशहूर आवाज के बारे में जावेद अख्तर ने क्या खूब कहा कि हमारे पास एक चांद है, एक सूरज है और एक लता मंगेशकर है। उनके इन लफ्जों से हर कोई इत्तेफाक रखना चाहेगा। सुर साम्राज्ञी लता को लेकर लोग कहते हैं कि उनके गले में खुद सरस्वती का वास है। आम से लेकर खास तक हर कोई उनकी आवाज का कायल है। फिल्मी सितारों में उनके सुर की दीवानगी ऐसी रही है कि एक वक्त बॉलीवुड के मशहूर सितारे भी फिल्में साइन इस शर्त पर करते थे कि लता उन्हें आवाज देगी। आज लता मंगेशकर का 9वां जन्मदिन है। आज इस खास मौके पर आपको याद दिलाते हैं कि हिंदी सिनेमा के दिग्गजों ने किस तरह लता की गायकी की तारीफ की। लता ने एक से बढ़कर एक संगीतकारों के साथ काम किया है। 1977 में फिल्म किनारा में लता मंगेशकर के लिए एक गाना लिखा गया। आज जब भी लता जी का नाम आता है तो उस गाने का जिक्र जरूर होता है। मेरी आवाज ही पहचान है, नाम गुम जाएगा टाइटल का ये गाना लता के लिए गुलजार ने लिखा था। गुलजार उनकी गायकी की तारीफ में कहते हैं, लता की आवाज हमारे देश का एक सांस्कृतिक तथ्य है जो हम पर हर दिन उजागर होता है। उनकी मधुर आवाज सुने बगैर शाम नहीं ढलती, सिवा कि आप बधिर ना हो। एक बार जावेद अख्तर से जब पूछा गया कि हिंदी सिनेमा में ऐसा कौन सा सिंगर है जो उनके गाने को बेहतर ढंग से नुमाया कर पाता है, तो उन्होंने लता मंगेशकर का नाम लिया। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए बताया था कि माटी रे माटी गाने को उन्होंने जिस तरह से गाया उसे सुनकर आप उनकी थकान को महसूस कर सकते हो। वाकई ऐसा लगता है कि ये शख्स जिंदगी से आजिज आ चुका है। नरगिस से लेकर मधुबाला और रेखा जैसी अभिनेत्रियों के लिए लता ने बहुत सारे गाने गाए। नरगिस कहती थी कि लता के गाए गीतों पर रोने के लिए उन्हें ग्लिसरीन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता था। उनकी गायकी में उन्होंने कहा कि उनकी आवाज सुनने के बाद कुछ ऐसा आलमतारी हो जाता है जिसे बयां करना बहुत ही मुश्किल होता है। यूं समझिए जैसे कोई दरगाह या मंदिर में जाए तो वहां पहुंचकर इबादत में खुद ब खुद सिर झुक जाता है और आंखों से बेसाख्ता आंसू बहने लगते हैं। सुलक्षणा पंडित पर तो लता के सुरों का जादू इस तरह से चढ़ा हुआ था कि उन्होंने एक बार तो ये तक कह दिया था कि अगर वो लड़का होती तो लता से शादी कर लेती। सिलसिला जैसी कई फिल्मों में लता ने रेखा को आवाज दी। रेखा ने उनकी गायकी की तारीफ में कहा कि लता मंगेशकर एक एहसास है जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बयां नहीं। वो दौर भी था जब फिल्में चले या ना चले लता के गानों से मेकर्स अच्छी कमाई कर लेते थे। तभी तो निर्माता ओम प्रकाश मेहरा ने कहा था कि मिस मैरी, गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर जहां आरा तक की फिल्मों के प्रोडक्शन में से जितने पैसे नहीं मिले उससे ज्यादा पैसे इन फिल्मों में लता जी के गाए गानों की रॉयल्टी से मिले। उन्होंने लता मंगेशकर की लंबी उम्र को लेकर एक बार ये भी कहा था, हे ईश्वर, दुनिया में जितने लोग हैं उनकी जिंदगी से तू एक सेकंड कम कर दे और लता जी की जिंदगी में जोड़ दे। हमारी ओर से लता मंगेशकर को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड अपडेटेड बॉलीवुड न्यूज प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री यूट्यूब चैनल।